रुकड़ से अगली खबर का वक्फ बोर्ड बिल मुद्दे को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष की अनुमति से देश के बड़े मुद्दे पर बोलने आपके बीच आया हूं। कई प्रभावशाली लोगों ने वक्फ की बेशकीमती जमीन को बेच दिया है। कांग्रेस के कुछ नेता लोगों को गुमराह कर भड़का रहे हैं। एक QR कोड जारी कर इन्होंने PM मोदी के खिलाफ मुहिम चला रखी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर एक एजेंडा चला रखा है। बिल का विरोध कर रहे लोगों का कांग्रेस से रिश्ता है। जो वक्त बिल संसद में आने वाला है, इसके लिए एक संगठित विरोध नाम दिया जाना चाहिए। मुसलमान के वो बड़े नेता जिनकी इस प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो इस प्रॉपर्टी को फर्जी कागज बनाकर खुर्द मुद कर रहे हैं और आम मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे। फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, NCP के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री CM स्टालिन सहित अनेक बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक QR कोड के माध्यम से। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई भूमाफियाओं पर कांग्रेसी नेताओं को गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगाया वक्त के मामले को लेकर। साथ ही PM मोदी के खिलाफ मुहिम चला रखी है कांग्रेस ने। ये बात भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। वक्फ बोर्ड बिल मुद्दे पर किरोड़ी लाल मीणा ने आज प्रेस वार्ता की।